ऑर्थोपेडिक विभाग मेडिकल कॉलेज और भोपाल ऑर्थोपेडिक सर्जन सोसाइटी द्वारा भोपाल में दो दिवसीय एमपी चैप्टर के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 16 और 17 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन में 400 ऑर्थोपेडिक सर्जन भाग लेंगे। वहीं यूके के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आर के पांडे भी सम्मेलन में शामिल होने भोपाल पहुँचेंगे। देखिए मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की यह रिपोर्ट। राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस होती है जो हर साल होती है। पिछले वर्ष कोविड अपने संक्रमण के कारण यह संभव नहीं हो पाया था और इस वर्ष हमें इसकी जिम्मेदारी हमको दी गई थी। भोपाल ऑर्थोपेडिक सोसाइटी है हम लोग की और गांधी मेडिकल कॉलेज, तो गांधी मेडिकल कॉलेज का अस्थि रोग विभाग और भोपाल ऑर्थोपेडिक सर्जन सोसाइटी के तत्वावधान में हम ये राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस 39वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस अस्थि रोग विशेषज्ञों की 16 और 17 अक्टूबर को करने वाले हैं। इसमें हमारा पूरा फॉर्मेट रहता है, एक जो सिंपल टिपिकल फॉर्मेट रहता है उसमें ये होता है कि इसमें एक CME होती है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, वह पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे विषय उसमें व्याख्यान देते हैं और इसके अलावा हमारी इसमें वर्कशॉप्स होती हैं जिसके बारे में डॉक्टर राहुल बताएंगे कौन कौन से विषय में वर्कशॉप्स हैं। हमारी 3 वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं जिसमें हम हमारे PG स्टूडेंट्स को और दूसरे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको हम कुछ नई तकनीक के बारे में हैंड्स ऑन जो रहते हैं मॉडल्स के ऊपर हम लोग करते हैं वह सिखाई जाएगी। भी बच्चों में पैदाइशी विकृति रहती है पैरों में ना, उसके इलाज के लिए विशेष प्लास्टर टेक्निक होती है जो जिससे प्लास्टर से ही उस विकृति को ठीक किया जाता है। तो इस वर्कशॉप में हमारे पास में हेल्थ डिपार्टमेंट से भी 35 डॉक्टर्स जो पेरीफेरी में जिला अस्पताल में काम कर रहे हैं वो भी डोमिनेट किए गए हैं एज डेलीगेट, उनको भी इस टेक्निक की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें दिल्ली से प्रोफेसर डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस आने वाले हैं। दूसरी हमारी जो वर्कशॉप है वो ऑर्थोस्कोपी पे मतलब दूरबीन की पद्धति से घुटने की जो चोटें हैं उसके इलाज के बारे में ये किया जाएगा। तो उसमें हमारे पास में बॉम्बे से इंदौर से और बाकी सब देश के सभी जगह से विशेष फैकल्टीज आने वाली है और उसमें सब डेलीगेट्स को मॉडल पे वो पद्धति कैसे करना है, ऑर्थोस्कोपिक मिनिमल इन्वेजिव जो बोलते हैं अपन दूरबीन द्वारा कैसे ये करना है उस पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरी वर्कशॉप जो है हम लोग की घुटना जोड़ बदलना पे है, टोटल नी रिप्लेसमेंट पे, तो वो भी 2 घंटे की पूरी वर्कशॉप है जिसमें देश विदेश से फैकल्टीज आने वाली है और वो बोन मॉडल पे कैसे छोटे कट्स लेना और मिनिमल इन्वेसिव और आगे रोबोटिक सर्जरी और इसका क्या रोल रहेगा उन सब चीज़ पे उसमें कार्यशाला में डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।